नमस्कार, कॉटन कॉम्प्लेक्स मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज 13 अक्टूबर, कल के सेशन में पूरे कॉटन कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने अच्छी खासी तेजी आते हुए देखी, जहां कॉटन में 2.5% की तेजी, कपास में 1.5% की तेजी, कॉटन सीड ऑयल केक में 1.5% की तेजी आते हुए देखी। जैसे हमने उम्मीद की थी वैसे ही पूरी तेजी का माहौल बना हुआ है। कॉटन में हमने पहले भी कहा था कि 18,100 के ऊपर प्राइजेस निकलने पर करीबन हम 18,800 से 19,100 का लेवल देख पाएंगे। बिल्कुल उस तर्ज पर हमने ऑलमोस्ट 19,000 का लेवल छूते हुए देखा है, कपास में 1100 का लेवल और कॉटन सीड ऑयल केक में 1940 का लेवल। बट इंटरनेशनल मार्केट में अब साइकोलॉजिकल लेवल 70 सेंट का एक लेवल इंपॉर्टेंट है। जब तक प्राइस 70 सेंट के ऊपर नहीं निकलता है, पॉसिबिलिटी एक थोड़ा पुलबैक दिखा सकता है। पुलबैक का एक कारण ये भी है हरिकेन। पिछले हफ्ते हमने देखा हरिकेन डेल्टा आने की वजह से पूरे एग्री पैक में और एनर्जी पैक के अंदर हमने अच्छी खासी तेजी आते हुए देखी। हरिकेन निकल चुका है, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट या प्रॉफिट बुकिंग का इम्पैक्ट हम कॉटन इंटरनेशनल में देख पाएंगे। जब तक प्राइस 70 सेंट के ऊपर नहीं निकलता है, पॉसिबिलिटी हम एक पुलबैक देख पाए तो उसका असर डोमेस्टिक मार्केट पे भी पड़ता हुआ दिखाई देगा, जहां हमें लगता है 19,100 का लेवल अगर नहीं तोड़ता तो एक पुलबैक 18,500-18,600 तक का लेवल हम देख पाएंगे कॉटन में। कपास में 1,040-50 तक का एक सपोर्ट देखने मिल जाएगा, वहीं कॉटन सीड ऑयल केक में 1,850-1,860 का सपोर्ट देखने मिल जाएगा। डोमेस्टिक मार्केट में हमने देखा कि मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होने की वजह से भी प्राइस को सपोर्ट है। कॉटन क्रॉप की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 125 लाख बेल के आसपास का प्रोक्योरमेंट बोल रहे हैं, जो ओवरऑल फंडामेंटल मीडियम टर्म अभी भी अच्छा है, बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है आज के सेशन में पूरे कॉटन कॉम्प्लेक्स में गिरावट देखने मिल सकती है। कॉटन अगर हम इंटरनेशनल की बात करें तो जब तक 69-70 सेंट के ऊपर नहीं निकलता है, पॉसिबिलिटी एक पुलबैक रह सकता है 68 सेंट तक का लेवल। प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, जो कहीं ना कहीं काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखा रहा है। ओवरऑल बाय ऑन ड्रॉप शुड बी दी स्ट्रेटेजी। कॉटन सीड ऑयल के जैसे 200 डे मूविंग एवरेज का लेवल तोड़ा और इचिमिको क्लाउड के ऊपर आया, हमने पहले भी कहा था कि मार्केट में तेजी रहेगी, बट 1940 का लेवल तोड़ने के बाद ही हम एक बड़ी तेजी 2060 तक देख पाएंगे। तो ऑलमोस्ट कल हमने 1900 का लेवल क्रॉस करते हुए देखा था। इससे पहले भी हमने देखा था कि प्राइजेस जब 1900 का लेवल ब्रीच हुआ उसके बाद बड़ी बिकवाली आई थी। इससे पहले हमने मिड ऑफ सितंबर में देखा 1900 के करीब गया बट सस्टेन नहीं कर पाया, प्राइस में गिरावट आ जाएगी। तो ये रेंज में सप्लाई काफी ज्यादा है, तो हमें लगता है आज थोड़ा सा एक गिरावट आ सकती है जो 1850-1860 का लेवल दिखा दे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी के अपडेट टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। धन्यवाद।